हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितने सेक्शन है? सेक्शन है 74, दो शेड्यूल्स हैं और सेकंड शेड्यूल को रिपील कर दिया गया है। पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था आपको लर्न करना है। 1 अक्टूबर 1932 को ये इन्फोर्स हो गया था, लेकिन सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1933 को इन्फोर्स हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन 4 की डेफिनेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसी में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 की आपने डेफिनेशन देखी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, एक संबंध होता है, किसमें? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं कि प्रॉफिट का आपस में वो शेयर करेंगे, आपस में प्रॉफिट को बांट लेंगे, और प्रॉफिट में बांटने के बाद एक दूसरे को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के वो एजेंट भी होते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट बनता कैसे है। मैं आपको केवल 4 पॉइंट्स में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि कैसे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप के बारे में एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। तो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। लेकिन अब जब इम्प्लाइड और ओरल होता है तो वहां पर इसका मतलब होता है कि हमें बिहेवियर से पता चलता है, व्यक्ति के आचरण से पता चलता है कि यहां पर पार्टनरशिप हुआ है। देखिए, जो यहां पर एक पार्टनर की डेथ के बाद कोई दूसरा पार्टनर नहीं बन सकता है कि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए उसके बदले में दूसरा पार्टनर बन जाए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताए गए हैं। दूसरी चीज, आपको इस पे केस भी एक आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल बादशाह वर्सेज सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज 1954 मैसूर का केस। देखिए, दो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया और आपस में कारोबार करने लगे। एक लेकिन उन्होंने एक बाग को बेच दिया, जिस बाग की कीमत कितनी थी, 5,000 रुपए में इन्होंने इसको बेचा और एक लकड़ी का कारोबार करना शुरू किया। कुछ लकड़ी के कारोबार के संबंध में इन्होंने क्या किया कि सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज को कुछ लकड़ी के लट्ठे उधार दे दिए और बाद में डिफेंडेंट ने उसको पैसों को मनी को पे करने से मना कर दिया। भाई देखिए, लोअर कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया कि ये कारोबार फर्म तो है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है और इनको केस फाइल करने का ही राइट नहीं है। अब आगे केस गया मैसूर हाई कोर्ट में और आपके अपीलांट ने सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज ने एक तर्क दिया कि दोनों भाइयों का जो रिलेशन है वो को ओनर है, वो पार्टनर्स नहीं है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि दोनों भाइयों का केवल एक एम था, वो क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट, वो लाभ का बंटवारा करते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन 1932 कहती है कि अगर जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट चल रहा है वो पार्टनर्स माने जाएंगे। तो मैसूर हाई कोर्ट ने पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए क्या किया, पार्टनर मान लिया और कहा कि ये पूरी तरीके से पार्टनर है और इनको ऑर्डर दे दिया गया कि ये इनका पेमेंट दे देंगे। दूसरी चीज आया बिजनेस को कहां परिभाषित किया गया, सेक्शन 2B में पार्टनरशिप एक्ट परिभाषित किया गया। और बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, पेशा, प्रॉफिट। तो किस चीज का प्रॉफिट करते हैं हम, क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि जितने पार्टनर्स हैं, चाहे दो पार्टनर्स हो, चाहे तीन हो, चाहे पांच हो, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 5 पार्टनर है तो पांचों के बीच में जितना भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस का वो बराबर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा तो मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट को यहां पर बिजनेस को क्या किया गया, बिजनेस को इंक्रीज करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और थर्ड पॉइंट आपको बता रहे हैं, शेयरिंग और प्रॉफिट मैंने इसी में मिला के आपको बता दिया कि जब बिजनेस हुआ, बिजनेस को ग्रो किया गया तो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑफ शेयर दे दिया गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। और जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो माना जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट में वो पार्टनर है। तो पार्टनरशिप में कम से कम मिनिमम दो लोगों से ज्यादा, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद बिजनेस होना जरूरी है, कोई ना कोई एक बिजनेस होगा। थर्ड चीज, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी, लाभ का बंटवारा किया जाएगा। एक केस और आया था कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्टली बोला गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, खाली प्रॉफिट शेयर करने से ही पार्टनर नहीं माने जाएंगे,
पार्टनरशिप में केवल ये नहीं कि हम शेयर कर देंगे, बल्कि पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि चौथा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी। वो क्या है? एक दूसरे के अभिकरण है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और दूसरे पार्टनर को वो क्या करता है, उसका एजेंट भी होता है। कैसे? जब एक पार्टनर दूसरे के काम को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, और वैसे वो क्या होता है, उसका एजेंट होता है। तो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, तो वो प्रमुख भी होता है और अभिकर्ता भी होता है। यहाँ पर उनकी एक एजेंसी बनी होती है, वो म्यूचुअल एजेंसी होती है, जो मिलजुल कर काम करते हैं। मतलब हम अपने दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट भी करते हैं और पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। जब अपना काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल है, हम दूसरे के पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसके एजेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्लीपिंग और एक्टिव दोनों तरह के पार्टनर इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर स्लीपिंग पार्टनर भी आ जाएंगे, एक्टिव पार्टनर भी आ जाएंगे। तो अब आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन से चार चीजें आपको निकल कर आ गई कि पार्टनरशिप में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। पहली चीज मैंने बताया आपको, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जब वो इम्प्लाइड होगा तो बिहेवियर से पता चलेगा। जैसे केस को मैंने बताया अब्दुल बादशाह वर्सेस सेंचुरी यूनिवर्सिटी, जहां पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, इम्प्लाइड एग्रीमेंट था, जहां पर बिहेवियर से ही पता चल रहा था कि दोनों भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे के पार्टनर हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया बिजनेस। बिजनेस में मैंने बताया कि प्रॉफिट होना चाहिए, कोई व्यापार हो जो प्रॉफिट को गेन करता हो और प्रॉफिट में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो। फोर्थ वर्ड मैंने आपको बताया जैसा कि म्यूचुअल एजेंसी। तो ये पूरी पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और ये आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप के एक्ट के बारे में और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको लिखिए, हम लोग उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।